तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरह से आप किसी प्राइवेट कंपनी में आपकी सैलरी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड अभी 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पे TCS, Cognizant, Syntel, capgemini जो सारी कंपनीज है उनका जो फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स है या फिर जो फ्रेशर्स के लिए सैलरी स्केल है वो स्केल लगभग दुगना हो गया है गाइस यहाँ पे, क्योंकि टेक महिंद्रा की फ्रेशर्स की सैलरी आज के डेट में आप देखेंगे तो वो लगभग 3.5 to 4.5 के बीच है। वही capgemini, TCS, Cognizant, एक्सेंचर जो सारी कंपनीज है वो फ्रेशर्स को अभी लेटेस्ट ट्रेंड की बात करेंगे तो 4 lakhs की सैलरी दे रही है। सो लगभग 32,000 इन हैंड सैलरी उनके हाथ में आती है एज अ फ्रेशर्स। सो होप अगर आप इन कंपनीज़ में करियर करना चाहते हैं इस बड़ी कंपनी में तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। सो इन टॉपिक्स को देखने से पहले गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन बड़ी कंपनीज़ को टारगेट करना है सो बेसिकली आपको इनके ऑफ कैंपस ऑफ ड्राइव्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, उसके बाद लेटेस्ट किस किस टेक्नोलॉजीज पे उनके पास ओपनिंग्स है, कौन से नए ट्रेंड या नए प्रोजेक्ट्स इस कंपनी में लॉन्च हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कोई कि अगर capgemini को कोई प्रोजेक्ट्स मिलता है किसी कंपनी में सो उस कंपनी के लिए वो हायरिंग स्टार्ट करती है और वो हायरिंग डिपेंड होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर। सो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे या उनके पोर्टल्स पे या naukri.com पे मिल जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेटर ट्रेंड है आज का कि अगर फ्रेशर्स को लगभग 2015 की बात करेंगे तो सैलरी मिलती थी 2.5 और वो सैलरी हाईएस्ट सैलरी मानी जाती थी गाइस, लेकिन आज के डेट में फ्रेशर्स को अराउंड 4.5 तक पैकेज मिलता है। सो होप अगर आप इन कंपनी को इन तरीके से अप्लाई करेंगे सो बेशक आपके लिए भी एक अच्छा खासा वे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि जल्द से जल्द आप भी इसमें अच्छी खासी सैलरी या ग्रोथ पा लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।